सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ विक्रांत जी का, जिन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जो बहुत ही इमोशनल और करुणा भरी सब्जेक्ट है। और अभी अभी जो माता जी यहाँ पर बोल के गई हैं, मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बाद हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। विक्रांत जी जब ये सब्जेक्ट लेकर मेरे पास आए थे तो मुझे सॉरी टू से मुझे मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ये सब्जेक्ट कहाँ चलेगा, कौन देखेगा, और मोंटो की पलटन, बच्चे लोग होंगे इसमें कुछ, मैंने भूत अंकल किया था और बच्चों की बहुत सारे सीरियल और फिल्म मैंने किया हुआ है जो कमर्शियल बहुत हिट रहा है और बहुत अच्छा, मतलब उसमें बहुत अच्छा अनुभव मेरा भी था और बच्चों का भी था, दर्शकों का भी था। तो मैं सोच रहा था कि इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, कहीं कॉमेडी नहीं दिख रही, कहीं कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। लेकिन जब मैं शूटिंग पर गया और जब मैं इनका टेकिंग देखा, इन्होंने जो हमें समझाया और उसके बाद मैं जब प्ले करता था वो कैरेक्टर, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये एक्चुअल कैरेक्टर क्या है और इनकी जो मेहनत है, ये जो चाहते हैं कि दुनिया को या हमारे कम से कम हमारे भारत के लोगों को जो दिखाना चाहते हैं उसका अगर 10% भी दिखा पाए और लोग देख पाए तो ये फिल्म सफल है। और फिल्म सफल है तो हमारे भारत के पब्लिक, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर न बनाए, बच्चों के ऊपर मतलब दिन रात पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और बच्चा चाहता कुछ है उसे करवाते कुछ है, बहुत सारा उनके ऊपर बस्ता बोझा लाद दिया जाता है। तो वो सब पेरेंट्स ज़रूर सीखेंगे इस फिल्म से। तो पेरेंट्स को ही नहीं, बच्चों को भी, बच्चों को ही नहीं पूरे परिवार को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। विक्रांत जी ने मेहनत की है, इन्होंने इस फिल्म को लिखा है और बहुत मेहनत किया है इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन अब जिम्मेदारी होती है हमारे जो भी पब्लिक हैं, जो भारत की जनता है, अब नाम भी है भारत टॉकीज, तो भारत टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत कम पैसे में, दूसरे चैनल वाले तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये बहुत कम पैसे में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सभी दर्शकों से, जो भी मेरे दोस्त हैं उन सभी से, जो नहीं हैं वो उनको मैं दोस्त बनाता हूँ, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। मोंटो की पलटन, साथ ही ये फिल्म है जिहाद है एक, और ये बच्चे वाली फिल्म है सिर्फ एक बार है, ये फिल्म है जो टीचर के ऊपर फिल्म बनाई है। तो ये सब फिल्म भी आपको देखने को मिलेंगे और ये सारी की सारी फिल्में आपको शिक्षा देकर जाएगी। सो मैं तो बस हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ आप सभी दर्शकों से कि मोंटो की पलटन को देखने के लिए अगर आपने इस भारत टॉकीज को सब्सक्राइब किया तो साथ में आपको बहुत सारा, बहुत कुछ पैकेज मिलने वाला है। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है के गोस्वामी एंटरटेनमेंट, उस पर मैं साइलेंट कॉमेडी बनाता हूँ। वह साइलेंट कॉमेडी अब भारत टॉकीज पर दिखाया जाएगा जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है और बहुत सारे कलाकार नहीं हैं, मैं अकेला हूँ और ये मेरा छोटा बेटा है, मैं और ये और एक दो और कलाकार मिलकर हम लोग ये सीरियल बनाते हैं जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है, बिना डायलॉग का सीरियल है, वो भी भारत टॉकीज पर मौजूद है। बस इतना ही चाहूँगा कि ये लोग बोलते हैं कि दो चार मोदी और हो जाए तो देश का तरक्की हो जाए, मैं बोलता हूँ दो चार विक्रांत मोड़े और हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाए। सब्जेक्ट जो है वो काफी मतलब सेंसेशनल है, मतलब आज के दौर से वो सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। ये बताइए क्यों इंस्पिरेशन आपको मिला ऐसा कि आप ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाए, और काफी कॉन्फिडेंस नहीं बोला है कि पेरेंट्स को जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी समझे क्या कहते हैं इस बारे में। एक्चुअली सबसे मेन चीज ये है कि आजकल कि सोसाइटी में ना सिर्फ डिप्रेशन की और सुसाइड की बात होती है, लेकिन सुसाइड और डिप्रेशन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समाज में ना नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि पहले कोई भी इंसान डिप्रेशन से गुजरता है और डिप्रेशन का एक फाइनल स्टेज होता है कि सुसाइडल थाट्स या वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है,
लेकिन इसके बहुत पहले बिहेवियर चेंजेस आते हैं हर इंसान के अंदर। या तो वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो बहुत गुस्सा हो जाता है, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, किसी से बात करना बंद कर देता है और अपनी एक दुनिया बना लेता है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना, वो उसके जीवन के चाइल्डहुड से उसका कनेक्शन है बहुत बड़ा। इसका रीज़न ये है ना कि हम यंग होने के बाद में, जैसे कि 99.9% इंसानों को प्यार हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर वो प्यार ना मिले तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है। फिर उसके बाद में उसका जीवन शुरू होता है, जो फैमिली लाइफ शुरू होती है, उसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो जीवन अप एंड डाउन से भरा हुआ है, लेकिन ये अप एंड डाउन्स को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत जो है हमारे चाइल्डहुड में छुपी हुई है, और इसका जो मेन स्तंभ है वो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हैं। तो ये मूवी को बनाया, जब मैं लिखा गया तो यही चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता था कि ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिविटी बोलना कि यार किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव करना और बोलना, सोचना, दोनों में अंतर है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें हमारे हैबिट में लाए तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गए। अक्सर आप सोचते हो कि यार नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव थिंक, लेकिन पॉजिटिव कैसा होगा जब जीवन में ही नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव सोच कैसे सकता है। इसके लिए हमको हमारे प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ये मुझे ऐसा लगा, और इस थॉट के ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई, और आज 29 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो बस यही। तो विक्रांत जी, जब आपने इस मूवी की शुरुआत की मोनू के पलटन, तो जिसमें आपने जिस तरह से आपका बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत ही अलग था हमारे से, आप जब के जी के पास गए होंगे सब्जेक्ट को लेकर, आपके माइंड में कैसे आया, जो एक उनका कैरेक्टर है बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जिसमें हम बच्चों को काफी हंसाते हैं, एक फैमिली को हंसाते हैं, तो आपने मोनू क्यों चुना, क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग था, और किस प्रकार आपने जब अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रखा तो उनका क्या रिएक्शन? बहुत ही बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली यह है कि केके जी का मैं और मेरे बच्चे दोनों भी फैन थे, और मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे डायरेक्टर लेवल तक लेके आएगी, और मैं कभी फिल्म मेकर भी बनूंगा। तो जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में केके जी का ये इमेज बैठा था, तो मैं उनको लेके कुछ फिल्म बनाना ही चाहता था। और जब मैंने फिल्म लिखने की शुरुआत की थी ना, तो मैंने उनका कैरेक्टराइजेशन को ना नज़र में रख के ही उसको लिखा गया था। और जब केके जी के पास मैं गया, तो मेरे पास में बजट सबसे मेन चीज़ था, बजट नहीं था मेरे फिल्म का। और जब मैंने ये बोला कि सर बजट का ये इशू है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, तो केके जी का मैं बहुत ऋणी रहूँगा आगे भी, चाहे कितना ही बड़ा मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ। केके जी ने बोला, आपका सब्जेक्ट जो है वो इतना पावरफुल है कि आप पैसा साइड में रहने दीजिए, आप बताइए कि आपको शूटिंग कभी करनी है। इसके लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे वो रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से ये इस फिल्म को बनाया गया है। ये है कि अवार्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक फिल्म मेकर के लिए। हम लोग ने जब फिल्म बनाई थी तो हमने तो ये सोचा था कि कोई भी एक अवार्ड अगर हमें मिल जाए तो हम इसको फिल्म को प्रमोट करने में या लोगों तक पहुंचाने में बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे इसको अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो एक फिल्म मेकर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, और फिल्म से जुड़ी हुई पूरी टीम के लिए ये बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी मेहनत, इतने सालों की जो मेहनत है, फ्लोर पे जाने के बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको सराहा जाता है। तो मैं थैंक यू सारे फिल्म फेस्टिवल्स का, मेरे सारे आर्टिस्ट, मेरे सारे टीम का, जिन्होंने सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, और स्पेशली डॉक्टर्स की टीम। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लास्ट ये है कि शुरुआत करें ओटीटी प्लेटफॉर्म का पार्ट, तो इसका भी आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके अधीन आने वाला है, जहाँ की लिमिटेशन से उसके बताइए, आप तो सोशल सिनेमा दिखाने वाले हैं, तो जो लोग नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाना चाह रहे, उनके लिए कितना बेहतर होगा? फिर से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा इस सवाल के लिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनमेंट, जो सिनेमा है, वो एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर दो ही बातें होनी चाहिए। एक तो फैमिली एंटरटेनमेंट हो, कि फैमिली के साथ में बैठ के एंटरटेन कर सके, क्योंकि जहाँ पे हम एक ऐसा सिनेमा बनाते हैं जहाँ पे हम फैमिली चद्दर के अंदर फिल्में देखते हैं, या तो हम अकेले फिल्में देखते हैं, तो वहाँ पर फैमिली यूनिटी ख़त्म हो जाती है, और हम जो जीवन जीते हैं फैमिली के साथ जीते हैं। तो सिनेमा एक माध्यम है जहाँ पर फैमिली एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ताकि हम हमारे माइंड को रिलैक्स कर पाए फैमिली के साथ में। और अभी जिस प्रकार का ज़्यादातर सिनेमा बन रहा है, तो
तो मुझे नहीं लगता कि हम फैमिली के साथ बैठ के हमारे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर इसको देख पाते हैं, एक। दूसरी तरफ है कि समाज की वो पीड़ा यानी सोशल अवेयरनेस, तो मुझे लगता है कि समाज की पीड़ा को लोगों तक पहुँचाने का ये सबसे बेस्ट माध्यम है सिनेमा। तो मुझे लगता है ये दो ही कंटेंट होना चाहिए, या तो फैमिली एंटरटेनमेंट होना चाहिए या तो सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनना चाहिए, ताकि समाज कुछ ले सके सोल्यूशन के साथ में, और एक हम ये दुनिया छोड़ने के जाने के पहले कुछ ऐसी फिल्में बना पाए जिस फिल्मों को देख के हमारी आने वाली पीढ़ी इंस्पायर हो पाए। इसके लिए भारत टॉकीज पे जितने भी फिल्म मेकर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि बालपन है, ऑन द वे है, बस एक बार है, जिहाद है, डॉक्टर नाम्बियार, जितने भी फिल्में आ रही है, हम ऐसे फिल्मों को भारत टॉकीज पे ले रहे हैं जो अवार्ड ले चुकी है या तो किसी न किसी सोशल मुद्दे। हाँ देखिए, कि जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो और अगर आपने पहले ही आपके माइंड को ये कमांड दे दिया कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये सक्सेस हो पाएगा, लोगों तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, तो इसका जवाब यह है कि नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए नहीं पहुँच पाया क्योंकि आपने आपकी जो शुरुआत है अगर एक इंसान तक भी पहुँच जाती है तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, आज 135 करोड़ की आबादी में कुछ चुनिंदा भगवान ही रूल कर रहे हैं। एक ही यीशु ख्रिस्त है, एक ही सिद्धार्थ गौतम है, एक ही गुरु नानक है, और एक ही इंसान पूरे कायनात को रूल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दिमाग में एक अच्छी सोच है तो हमको उसको रिएक्ट करना ज़रूरी है। लोग रिस्पॉन्ड क्या करेंगे ये मुझे लगता है वक्त के ऊपर छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने कभी भी नेगेटिव सोचा ही नहीं है। बस ये समाज की पीड़ा है और ये मेरे पास में माध्यम मिला है, ये कैमरा, और ये मेरे पास में ऑडियंस है, और मैं इसको पहुंचाने की मेरी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। केके जी, मेरा सवाल आपसे है, बच्चों के रोल मॉडल हैं आप, चाहे फिल्म हो चाहे टीवी सीरियल हो, जब भी बच्चों को गुदगुदाने की बात आती है तो आपको याद किया जाता है, क्या कोई ऐसा किरदार भी रह गया है जो बच्चों को आप उसमें कहना चाहते हैं, जो बस ये मोंटो की पलटन जो है ये फिल्म सक्सेस हो जाए और इसके बाद मोंटो की पलटन दूसरी भी ला रहे हैं ये सर, और पार्ट टू भी आ रही है, तो इस तरह के सब्जेक्ट जब भी आते हैं तो एक अलग ही जिज्ञासा हो जाती है, काम करने का मन करता है। बाकी जो सीरियल मैं करता हूँ, फिल्में करता हूँ, कमर्शियल करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे विक्रांत जी और मैडम के जैसे लोग आ जाएं, मैं तो उनका पैर छूना चाहता हूँ, कि ऐसे लोग अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो पेरेंट्स को शिक्षा मिलती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएंगे और फिर वो बच्चा कल का पेरेंट्स बनेगा, तो आगे आने वाला भविष्य हमारे भारत का सुधरेगा। मैं ये फिल्म से स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, लोगों को नहीं कि ऐसा आकर के हमारे यहाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी है। भारत के ऑडियंस को, हमारे सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को ऐसी फिल्मों को ज़रूर देखना चाहिए और ऐसे फिल्मों को बढ़ावा ज़रूर देना चाहिए। दया सर जो CID में काम करते हैं उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी इनके लिए, अभिजीत सर ने भेजा है, साटम साहब ने भेजा है इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बप्पी लहरी दादा ने भेजा है शुभकामनाएं, लता दीदी, लता मंगेशकर जी, क्योंकि उम्र भी उनका हो चुका है और इस कोरोना काल में बहुत सारा, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने भी बोला कि बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं, सो सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं। अब आप लोगों का ये जो आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए, इस फिल्म को चला दीजिए, और जो हमारे ऑडियंस है, ऑडियंस देख लीजिए, भले ही आप लोग कितना भी एंटरटेन हो जाओ, भले ही वो एक फिल्म आई थी विद्या बालन जी की, वो क्या था जिसमें वो विद्या बालन जी की एक फिल्म आई थी, उसमें बहुत कमर्शियल फिल्म थी,
नहीं एक और थी उसमें, हाँ दूसरी बहुत पहले जो भी, हाँ कोई भी थी, हाँ ठीक है। मैं तो ये बात ये बोलना चाहता था कि वैसी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी आती हैं जो आप हिट कर देते हैं, सलमान खान की फिल्में हिट करते हैं, आपको कमर्शियल के साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट को भी देखना चाहिए, ऑडियंस को ऐसे सब्जेक्ट को भी देखना चाहिए, न कि हर जगह नाच गाना से काम नहीं चलता है, हर जगह वो बॉडी मैं हूँ हुड़ हुड़ दबंग दबंग, तो दबंग दबंग से भी थोड़ा बाहर आइए, क्योंकि आपका जो दबंग आएगा इस दबंग को आप क्या दिखाओगे, इस दबंग के लिए कुछ तो कर जाओ। तो इस दबंग के लिए विक्रांत जी ने ये शुरुआत की है, तो मैं तो बस इतना ही चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग भी मीडिया का भी काम है, आप लोग भी सहयोग दीजिए इस फिल्म को और इस फिल्म को हिट कराइए, सभी लोग अपने अपने स्तर से इस फिल्म को देखिए भी, आप लोगों को भी कसम है अभी जाकर आप सबको कसम है अभी जाकर भारत टॉकीज को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस फिल्म को आज रात में देखिए और उस पर कमेंट लिखिए कि हाँ आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। आपको अच्छी नहीं लगती है आप लिखिए उस पर कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तो हर किसी का फ़र्ज बनता है, यहाँ आते हैं बड़े बड़े स्टेज पर जाते हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं और अपने घर पर जाकर चादर में सो जाते हैं, तो वो भाषण देना से अच्छा है थोड़ा सा कुछ नहीं 200 का 100 का सब्सक्राइब करके और इस फिल्म को देख ₹49 ओनली लीजिए, अभी 49 का हो गया है, तो 49 का सब्सक्राइब करके इन फिल्मों को देखिए और बढ़ावा दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके सामने मैं उनका पैर छूना चाहता हूँ ऐसी देवी का, कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे माँ होने चाहिए और ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए जिनकी सोच इतनी अच्छी।